आखिरकार रज्जो दलाल को क्यों नहीं मौका मिला टाइमगॉड बनने का दूसरी बार है। प्रोमो देखा, प्रोमो देखने के बाद, प्रोमो बहुत ही ध्यान से भाई देखती हूँ मैं, उसके ऊपर जो है गॉसिप भी करती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो के जरिए। पर जो रज्जो दलाल है, रज्जो दलाल को पिंजरे के अंदर नहीं पिंजरे के बाहर मैंने मंडराते हुए देखा, जैसे कि मधुमक्खी जो है अपने छत्ते के बाहर जो है वो मंडराती रहती है, शहद के ऊपर जो है वो मंडराती रहती हैं। और ये बंदा आखिरकार बाहर क्या कर रहा है? देखिए, कोई अपडेट ऐसी नहीं है कि ये क्या कर रहा है या मेरे पास कोई अपडेट है या भाई मैंने पहले ही सब चीज़ें निकाल ली है, नहीं। पर हाँ, मैं डेफिनेटली जो है इसके पीछे की क्या असली सच्चाई है वो मैं आप तक जो है कल सुबह तक ज़रूर लेके आऊँ, क्योंकि अभी रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कल सुबह तक जो है मेरे चैनल से आप लोगों को उसकी अपडेट जो है मिल जाएगी कि आखिरकार रज्जो दलाल जो है वो पिंजरे के अंदर नहीं पिंजरे के बाहर क्या कर रही हैं। पर मेरी एक गॉसिप है कि मुझे ऐसा लगता है कि रज्जो दलाल को भी मौका मिला है, और डेफिनेटली मौका मिलना भी चाहिए और मौका मिला भी होगा। पर जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक बार टाइम गॉड बन गए तो दूसरी बार आप टाइम गॉड नहीं बन सकते, बन सकते हैं। विवियन डिसेना भी 2 बार टाइम गॉड रहे हैं, कोई 3 बार भी बन सकता है, कोई 4 बार भी बन सकता है, कोई 1 बार भी नहीं बन सकता है, ये चीज़ तो आप लोगों ने देखी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि टाइम गॉड बनके जो है वो रज्जो को कोई भी फायदा नहीं हुआ, और जो पावर मतलब कि जो नॉमिनेशन की पावर थी वो भी पावर जो है वो मिली उसको भी अच्छे से इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाया रज्जो दलाल। और फिर उसके बाद जो है सब सरदर्दी ही थी, ये काम करवाना, वो काम करवाना, ये करना, वो करना, तो उसको ना थोड़ा सा झुक के रहना पड़ा काम करवाने के लिए, घर जो है चलाने के लिए। तो इसीलिए वो एक हफ्ता जो है वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, जिसके कारण उसको भी पिस्ड ऑफ हो गया और वो खुद ही सबसे पहले जो है इस पिंजरे से बाहर आ गया कि भाई मेरे को टॉर्चर सहना ही नहीं है, मेरे को टाइम गॉड ही नहीं बनना है। मैं बाहर रह के जो है मैं सपोर्ट कर सकता हूँ दिग्विजय को, दिग्विजय को टाइम गॉड बना सकता हूँ। तो वो दिमाग चला के जो है रज्जो दलाल बाहर रह के दिग्विजय की सपोर्ट शायद कर रहे होंगे कि भाई दिग्विजय के ऊपर अगर कोई मिर्ची फेंकेगा तो वो जो है पानी लेके आके उसको दे सकता है कि उसको एटलीस्ट और ज़्यादा वहाँ पर टाइम मिले रहने का, कि वो और ज़्यादा वहाँ पर टिक पाए, पिंजरे से वो बाहर ना आए, वो टिक पाए वहाँ पर। तो इस प्लानिंग प्लॉटिंग को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो रज्जो दलाल ने अपनाया है, इसीलिए वो पिंजरे के बाहर दिखाई दे रहे हैं। बट कंफर्म नहीं है भाई, ये तो मैं सिर्फ अपनी गॉसिप आप लोगों को बता रही हूँ, पर आपको क्या लगता है बताइए ज़रूर। और क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कौन टाइम गॉड बना है, किसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर मिला है, सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को कल सुबह अपनी वीडियो के ज़रिए बताऊंगी। तो गुड नाइट, इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।